न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बेटे से बलात्कार के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जिला अदालत में सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। ये मुकदमा नंबर 68 डेटेड 2/10/2020 को पीएस वोमेन पलवल में दर्ज करा था, जिसमें पीड़िता ने अपनी शिकायत में बतलाया था कि उसका पिता उसके साथ पिछले 3 साल से यौन शोषण कर रहा है, जिससे पीड़िता करीब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ लॉजिंग FIR। जी, उसके बाद जो है कब गिरफ्तारी हुई पिता की, और बताया गया कि पीड़िता से एक बेबी भी बच्ची भी हुई। पीड़ित दोषी को मुकदमा दर्ज करने के बाद तुरंत ही 3/10 को ही गिरफ्तार कर लिया गया जी, और उसके करीब तीन चार महीने के बाद पीड़िता ने एक फीमेल बेबी को जन्म दिया, जिसके ब्लड सैंपल लिए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जो ब्लड सैंपल से DNA आया वो दोषी से मैच करता किया गया। किन किन धाराओं में क्या सजा दी गई है दोषी पिता को? दोषी को सेक्शन 10 पॉक्सो एक्ट 506 IPC में सजा दी गई, जिसमें दोषी को फांसी की सजा दी माननीय अदालत ने, और दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा माननीय अदालत में पीड़िता का ध्यान रखते हुए उसको 7.5 लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान किया। वर्ष 2020 में जिला के गांव मानपुर की रहने वाली एक नाबालिग की तरफ से महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में उसने अपने ही पिता जिला सिंह पर उसके साथ करीब 3 साल तक बलात्कार करने की बात कही थी। वर्ष 2020 में महिला थाना में पुलिस द्वारा इस मुकदमे को दर्ज किया गया और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। इस दौरान अपने आरोपी पिता से गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को एक बच्ची भी हुई। अदालत के द्वारा DNA टेस्ट की कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया। अदालत के द्वारा इस मामले में दी गई फांसी की सजा से आरोपी के इलाके में चर्चा बनी हुई है। कलयुगी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है।